नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम राधिका है एंड आई वेलकम यू टू सात्विक योगा। आज हम एक एंग्जाइटी के लिए फ्लो करेंगे। अगर मन में कोई भी घबराहट है, शरीर में टेंशन है, मन में स्ट्रेस है, तो ये फ्लो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड यू ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप, आप मैट पर आ गए हैं, आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, सो द डिफिकल्ट पार्ट इज ऑलरेडी ओवर। सो यू ऑलरेडी ओवरकम वन ऑब्स्टिकल, तो अब इतना मुश्किल नहीं होगा। लेट्स जस्ट बिगिन। सो कम टू अ कंफर्टेबल सीटेड पोज माय फ्रेंड्स। और प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस को लाएंगे। एक गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस में आवाज आए इस तरह से गहरी होनी चाहिए, और आवाज के साथ ही नाक से एक्सहेल कर दें। एक बार फिर गहरी सांस अंदर, एक्सहेल कंप्लीटली। एक आखिरी बार गहरी सांस अंदर, और पूरी तरह से सांस को अब छोड़ दें। वेरी नाइस। हाथों को अपने घुटनों पर ले आएं। अब इनहेल के साथ हम अपनी चेस्ट को खोलेंगे इस तरह से, और पीठ को राउंड करेंगे। चेहरा हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उठ जाएगा, सो द चिन विल गो अपवर्ड्स। और एक्सहेल के साथ हम अपनी पीठ को राउंड करेंगे और पीछे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने अपने हाथों को घुटनों पर रखा है उससे सपोर्ट लीजिए, ताकि जो पीठ है वो बहुत आसानी से राउंड हो पाए। इनहेल, चेस्ट को खोलेंगे। एक्सहेल, राउंड योर स्पाइन, गो बैक। चिन जो है इस बार नीचे की ओर आ जाएगी, चेस्ट की टुवर्ड्स रहेगी आपकी चिन। इनहेल, वापस ऊपर आए, और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर रखें। और ऑब्जर्व करिए कि जब आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, तो शरीर के कौन से हिस्से में वो टाइटनेस महसूस होती है। जस्ट ऑब्जर्व, क्या वो चेस्ट में है। मूवमेंट को कंटिन्यू रखिए। क्या वो टेंशन सर में महसूस होती है, या हाथों और पैरों में महसूस होती है। जस्ट ऑब्जर्व योर ओन बॉडी। इनहेल, चेस्ट को खोलेंगे, ऊपर देखेंगे। एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे। कम बैक टू सेंटर। और यहां से हम अपने हैंड्स और नीज पोजीशन में आएंगे। तो यहां पर आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर्स के डायरेक्टली नीचे रहेंगे, हाथ के जो पंजे हैं वो खुले रहेंगे। इससे आपको जो बैलेंस करना है उसमें आसानी होगी। और जो आपका घुटना है वो हिप्स के नीचे रहेंगे, दोनों घुटने हिप्स के नीचे रहेंगे। अब यहाँ पे जस्ट फाइंड लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट। शरीर को आगे पीछे करेंगे बहुत सिंपली।
सांस पर ध्यान देते रहें। अब अपने हाथों को थोड़ा और आगे ले जाइए मैट पर, और यहां से हम ऊर्ध्व मुख स्वानासन में आएंगे, अपवर्ड फेसिंग डॉग। एल्बोज में आप थोड़ा बेंड रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चेस्ट को हम थोड़ा खोलेंगे, घुटने और पैर मैट पर हैं। इनहेल, एक्सहेल, हम पीछे की ओर जाएंगे बालासन में। आप चाहें तो एक बारी देख लीजिए, इनहेल के साथ हम आगे आएंगे, चेस्ट को खोलेंगे, और एक्सहेल के साथ पीछे जाएंगे, और यही मूवमेंट हमें फॉलो करना है। एंड यू कैन सी आपको कितना इस मूवमेंट में अपनी बॉडी को खोलना है, सो डू एज पर योर ओन कैपेसिटी। एल्बोज में आप बेंड रख सकते हैं, एल्बोज को एकदम सीधा करने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड टू हाइपर एक्सटेंड। जस्ट कीप फाइंडिंग दिस मूवमेंट। कम बैक टू सेंटर, और अब हम शरीर से सर्कल्स बनाएंगे। तो पहले राइट की ओर जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल टुवर्ड्स द लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल। तो जो आपकी सांस है उसको हम अपने मूवमेंट के साथ सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी परफेक्टली ना हो, नो प्रॉब्लम, जितना हो रहा है उतना करिए। अलाउ योर ब्रेथ, allow your breath to stabilize your emotions। अब सर्कल को रिवर्स करेंगे, इनहेल के साथ लेफ्ट की ओर जाएंगे और एक्सहेल के साथ राइट की ओर। कीप ब्रीदिंग डीपली। This is like a moving meditation, my friends. मन में जो सारा समय आपके खराब ख्याल आते हैं, जिनकी वजह से घबराहट होती है, अभी उन थॉट्स को हम साइड में रखेंगे और अपने शरीर और अपनी सांस पर ध्यान देंगे। ये सारी टेंशन आपके अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। तो अगर आप चाहें इस मोमेंट में अपनी मैट पे इस टेंशन को छोड़ सकते हैं, यू कैन लेट गो। कम बैक टू सेंटर, ऑल फोर्स पे एक बार फिर से आएंगे, एक बार फिर कैट एंड काउ लेंगे, बितलासन एंड बिदलासन। इनहेल के साथ चेस्ट को खोलेंगे, ऊपर देखेंगे, एक्सहेल राउंड द स्पाइन, लुक डाउन। चाहे तो आंखों को बंद कर लीजिए
एंड कीप मूविंग। जब आप इनहेल के साथ चेस्ट को खोलें, तो अपनी चिन को ऊपर की ओर ले जाएं, स्काई की तरफ। टेलबोन टक हो जाएगी, हिप्स ऊपर जाएंगे। एक्सहेल के साथ राउंड योर स्पाइन, लुक डाउन। Keep moving with your breath. Come back to center. अब हम पपी पोज लेंगे, उत्तना शिशु आसन। तो इसके लिए हाथों को हम मैट के आगे की ओर ले जाएंगे और हिप्स स्काई की तरफ खुली रहेंगी। आप घुटनों पर हैं अपने और आपका जो माथा है वो मैट पर आ जाएगा। नाउ इफ दिस इज टू चैलेंजिंग, देन यू कैन टेक अधोमुख वीरासन। इसके लिए घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोलेंगे, हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे और फिर माथे को मैट पर रखेंगे। यहाँ पर भी ब्रीथ कर सकते हैं। So whichever one feels more natural for the body, it's more easy for you to do that one. Breathe. कितनी एम्पावरिंग थॉट है ये कि आप अपनी सांस को स्टेबलाइज करके अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल पा सकते हैं। आज जो आप यहाँ मैट पर सीख रहे हैं वो जीवन में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे काम पे टेंशन हो, चाहे घर में टेंशन हो। जस्ट लर्न टू डीपन योर ब्रेथ। आप जहां पर भी हैं ऊपर आ जाएं, हैंड्स एंड नीज। अब हम घुटनों को साथ में ले आएंगे और पैरों को भी साथ में ले आएंगे। जो टॉप ऑफ द हेड है वो मैट पर आ जाएगा। वी आर टेकिंग रैबिट पोज, शशांक आसन। अब जो आपके हाथ हैं वो पैरों के एकदम साइड में आ जाएंगे। And stay here and breathe. Take 3 to 5 deep breaths here. जो भी आपकी feelings, जो भी ख्याल आपको anxiety देते हैं, उनके बारे में अभी आप सोचिए, अपनी awareness लाइए वहाँ पर। You are in a safe space. आपको अपनी फीलिंग से भागने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर फॉर यू, वी आर इन दिस टुगेदर। सो जस्ट फील, अलाउ योर सेल्फ टू फील। एंड ब्रीथ। कोशिश करिए इस समय इन फीलिंग्स को, शरीर में जो भी टेंशन है उसको रिलीज कर दें। हर एक्सहेल के साथ इस टेंशन को अपने शरीर से जाने दीजिए, निकलने दीजिए।
नाउ सिट बैक ऑन योर हील्स, अपनी हिप्स को हील्स पर ले आएं, हाथों को साइड में रहने दें, माथा आपका मैट पर रहेगा, कम इन बालासन एंड जस्ट टेक अ रेस्ट, रिलैक्स। वापस ऊपर आ जाएं। अब यहां से अपने राइट पैर को हाथों के बीच में स्टेप करेंगे एंड जस्ट मूव बैक एंड फोर्थ। पैरों में जो भी टेंशन है उसको रिलीज करेंगे, पैरों को खोलेंगे। जो आपका पेल्विक रीजन है वहाँ पे भी बहुत से इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, तो अभी इस आसन में ये एरिया भी खुल रहा है, सो जस्ट अलाउ अलाउ इट टू रिलीज। अगली इनहेल के साथ हम ऊपर आएंगे अंजनी आसन में, तो जो लेफ्ट पैर है उससे आप फर्मली ग्राउंड डाउन करें और इनहेल के साथ हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल के साथ हाथों को साइड में खोलेंगे इन कैक्टस आर्म्स। इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल कैक्टस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, वेरी नाइस। हाथों को वापस मैट पर ले आए, स्टेप योर लेग बैक और अब हम अधोमुख स्वानासन में आएंगे, डाउनवर्ड डॉग। तो हाथों को खोल के मैट पर रखें, पंजों को खोल लीजिए, टक योर टोज, अपने पैरों की टोज पर आ जाएं और अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे एंड वॉक आउट ओवर हियर इन डाउन डॉग। अगर आपके हील्स मैट तक नहीं आ रहे हैं नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप वॉकिंग आउट। कीप रेजिंग योर हिप्स, दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस है, वेरी नाइस। घुटनों को वापस मैट पर ले आए। इस बार हम अपने लेफ्ट पैर को हाथों के बीच में स्टेप करेंगे, वंस अगेन जस्ट ओपन अप दिस साइड ऑफ द बॉडी, मूव एज पर योर डिजायर। जो आपकी बॉडी है वो ही आपको गाइड करेगी, तो अपने ख्यालों से अभी थोड़ा परे हो जाएं, मूव अवे फ्रॉम योर थॉट्स एंड मूव इनटू योर बॉडी। Come to the present moment. घबराहट तभी होती है जब हम आगे के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, कैसे होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान दें 95% समय ये सब चीजें होती भी नहीं है, पर हम उनके बारे में सोच सोच के अपने आज को खराब कर लेते हैं। So for now, stay with your breath. Present moment में अपनी awareness को रखें। Inhale के साथ हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे अंजनी आसन।
एक्सहेल कैक्टस आर्म्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल कैक्टस आर्म्स, इनहेल, एक्सहेल कैक्टस, वेरी नाइस, हाथों को वापस मैट पर ले आएं, स्टेप योर लेग बैक, टक योर टोज और अधोमुख स्वानासन में जाएंगे। एक बार फिर पैरों को चलाएंगे यहां पर। कीप ब्रीदिंग, सांस रोकनी नहीं है। कीप ब्रीदिंग। वापस घुटनों पर आ जाएं एंड कम टू अ सीटेड पोज वंस अगेन। एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे, राइट हाथ पीछे की ओर जाएगा, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे आएगा एंड ट्विस्ट। दूसरी साइड जाएंगे, लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा, राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे आएगा और साइड टू साइड मूव करेंगे। चाहे तो आंखों को बंद कर लीजिए। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ले आए। कम बैक टू सेंटर। अपने हाथों को घुटनों पर रखें फेसिंग अपवर्ड्स, तो जो आपकी हथेलियां हैं वो ऊपर देख रही हैं। अपने होठों को बंद कर लें, पीठ को सीधा कर लें और अपनी अवेयरनेस अपनी आईब्रोज के बीच में ले आइए, भ्रू मध्य पर। इनहेल, एक्सहेल, स्टे विद योर ब्रेथ। आपके अंदर जो भी हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हैं, मुझसे ये नहीं होगा, उसको अभी छोड़ दीजिए, लेट गो। यूज योर ब्रेथ एंड लेट गो ऑफ दीज फीलिंग्स। अपना ध्यान अपने अकम्प्लिशमेंट्स पे लाइए। आपने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है, कितनी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में ओवरकम करे हैं, कितनी डिफिकल्टीज को फेस किया है, अपने अंदर की पावर को महसूस करिए। जो आपके अंदर शक्ति है, स्ट्रेंथ है, इस समय उसको एम्ब्रेस करिए।
एक गहरी सांस अंदर लेंगे एक्सहेल फुली, एक बार और पूरी तरह सांस को छोड़ दें, वन लास्ट टाइम। रिलीज। हाथों को साथ में रब करेंगे, एनर्जाइजिंग आवर बॉडी, आवर इंटरनल ऑर्गन्स। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर ले आए, अपने चेहरे पर ले आए। जेंटली ब्लिंक योर आईज ओपन। अपने हाथों में देखिए और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति, अपनी इनर पावर को महसूस करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इस प्रैक्टिस को दोबारा कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, जब भी घबराहट हो कर सकते हैं। एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर फ्लोज। स्टे कनेक्टेड। नमस्ते।